नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को ब्रेड और आलू के टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए बताने जा रही हूँ। एक टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। इसके लिए मैंने लिया गाजर, टमाटर, धनिया पत्ता, शिमला मिर्च, हरा मिर्च। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप बेसन लेंगे। तो अब हम इन सारी चीजों को डाल देंगे बेसन में। इन सारी चीजों को डालने के बाद इसे हम एक बार ऐसे चला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डाल दें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे हम मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने बेसन को मिला लिया है। इसके लिए मैंने लिया है दो उबले हुए आलू। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम ऐसे फैला देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। इसके लिए मैंने लिया है चार ब्रेड। ब्रेड के ऊपर बेसन को लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम आलू लगाएंगे। तवा पर बटर डाल के हम इसे फैला देंगे। अब हम दूसरी तरफ भी एक बेसन का घोल लगाएंगे। अब इसे हम पलट देंगे। इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। देखिए, दोनों तरफ से सेक चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ब्रेड और आलू का टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है।